वी द पीपल, हम भारत के लोग। दुनिया में अगर आप देखेंगे जो ईसाई लोग हैं वो संडे को सारे मिलते हैं, उनका प्रेयर का दिन होता है। दरअसल ये एक सामाजिक गैदरिंग होती है, एक सामाजिक दिन होता है जिस दिन सारे लोग मिलते हैं और बात करते हैं आपस में, अपने दुख दर्द बांटते हैं, रिश्तेदार मिलते हैं, परिवार मिलते हैं, उस दिन कोई काम नहीं करता। ठीक ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो जो मुस्लिम्स होते हैं उनमें फ्राइडे का दिन होता है जिसको जुम्मा बोलते हैं, वो उस दिन कोई काम नहीं करते, अपने लोगों से मिलते हैं, परिवार से मिलते हैं, नहाते धोते हैं, सारा काम बंद रहता है, उस दिन उनकी साप्ताहिक छुट्टी रहती है, शरीर को भी आराम मिलता है। ये जो दोनों कल्चर हैं, ये दोनों कल्चर इनकी जो आई हैं वो बुद्ध से आई हैं। दरअसल बुद्ध का जो जन्म है या कल्चर है वो 2600 साल पुरानी है, जो ईसा की है वो 2000 साल पुरानी है, क्योंकि ईसा को तो बताते हैं कि जो लेह के अंदर एक मोनेस्ट्री है, एक बुद्ध विहार है, वहाँ उन्होंने कुछ साल बिताए हैं और बुद्ध के नियम सीखे भी हैं। और ईसा की फैमिली के मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, तो उसी फैमिली से आते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो ईसा मसीह ने डेवलप किया छुट्टी का या संडे की प्रेयर का, वही शायद बाद में भी रहा होगा। एक साप्ताहिक छुट्टी सरसमी में रहती है, मगर बुद्ध के समय जो साप्ताहिक छुट्टी का नाम था वो था सन्नीवार या सन्नीचरिया, जिसको बाद में शनिचरिया बोला गया। शय तो पाली में होता नहीं, सह होता है। सन्नी सिन्नो यो सन्नी सिन्नो बरमूले, एक पाली के अंदर लिखा हुआ आता है कि जो सन्नी सिन्नो यानी कि जड़ के नीचे जो सानिध्य में बैठे हुए हैं, कैसे सानिध्य में बैठे हुए हैं, साथ में बैठे हुए हैं, तो सन्नी का मतलब साथ और सानिध्य आता है, संग बैठे हुए हैं, तो इसी से बना है सन्नीवार। सन्नीवार का मतलब है साथ बैठने का, वार माने होता है मौका, यानी साथ साथ बैठने का मौका, तो इसको सन्नीवार बोलते हैं। सन्नीवार से शनिवार हो गया, शनिवार का मतलब है कि साथ बैठने का दिन और मौका, और इसी को बोलते हैं शनिचरिया। चरिया माने होता है जैसे दिनचर्या होता है, शनिचर्या का जो काम हम करते हैं उसको चरिया बोलते हैं। जैसे इस आदमी की जीवनचर्या क्या है, यानी ये आदमी जीवन को कैसे व्यतीत करता है, वैसी दिनचर्या हो गई कि दिन की चर्या क्या है, सुबह से लेकर शाम तक क्या काम करते हैं, वैसे ही हो गई शनिचर्या यानी शनिवार के दिन क्या क्या करते हैं। तो शनिवार का मतलब हो गया कि साथ बैठने की चर्या, साथ बैठेंगे। तो जितने भी भारत के लोग थे वो इस दिन सारे बैठते थे, अपने दुख दर्दों को दूर करते थे, अपनी समस्याओं को सॉल्व करते थे। तो बाहर से जो लोग आए उनको शनिवार से बड़ा डर लगता था, ये जो शनिवार है इसको देख के बड़े कांपते थे, क्योंकि उस दिन असेंबली होती थी, इकट्ठे होते थे, तो उनको डर लगता था कि भाई इकट्ठे होकर हमारी पिटाई ना कर दें, ये क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। जब सत्ता बदली, 400-500 साल पहले सत्ता बदली है, उससे ज़्यादा पहले नहीं, तो इस शनिवार को, इस शनिचर्या को एक पाली का शब्द लगाया गया, पहले पाली चलती थी, ओम लगाया गया। ओम का मतलब पाली में होता है नीच यानी डाउन, यानी जो नीच और डाउन, यानी कि उन्होंने ये घोषित किया कि ये जो शनिचर है, शनिवार है, जो शनिचर्या है, इसको नीचे किया जाए, ये ठीक नहीं है, ये बेकार है, इसको डाउन किया जाए। तब से जो शनिवार है, जो शनिचर्या है, जो शनिवार का दिन है, उसको मनहूस घोषित कर दिया गया, और उसको मनहूस कर दिया गया क्योंकि भारत के लोगों का ये मिलने का दिन था। तो इसलिए वी द पीपल के जो लोग हैं, अगर वो चाहें और उनको अच्छा लगे, तो शनिवार को जो शनिचर्या है उसमें वो आपस में अपने बुद्ध विहारों में, अम्बेडकर भवन में, किसी चौपाल में, कबीर भवन में, कहीं भी जो उनका दुर्बलनाथ का मंदिर है, या उनका सतनामी का मंदिर है, या उनका कबीर का मंदिर है, या उनका गुरु नानक का मंदिर है, या उनका जो भी उनका स्थल है, या कोई अम्बेडकर भवन है, या उनकी कोई चौपाल है, वहाँ वो बैठें, सन्नी सुन्नो करें। वर मूले का मतलब है कि जड़, जो श्रेष्ठ जड़ है उसमें, या जो वो निवास स्थान है उस पर, या जो वो भवन है उस पर, वहाँ बैठें, शनिचर्या करें, शनिचर्या को बढ़ाएं, शनिचर को बढ़ाएं। जितना शनिचर बढ़ाएंगे उतना ही आपका फायदा होगा। भगवान बुद्ध ने स्पष्ट कहा है, जो लोग आपस में बात करते रहते हैं, संवाद करते रहते हैं, दुनिया की कोई ताकत उनको हरा नहीं सकती। ये 7 ऐसे नियम दिए हैं जो बदलते नहीं हैं, उनमें से एक नियम है कि जो लोग बात करते रहते हैं, साथ बैठते रहते हैं, चाहे भले ही हफ्ते में एक दिन है, दुनिया की कोई ताकत उनको हरा नहीं सकती। इसका एक एग्जाम्पल 2 अप्रैल 2018 को मिला, जब लोग साथ आए थे, सिर्फ खड़े तो हुए थे, उनका एक अधिकार बच गया, बाकी भी मिल जाएंगे। आप शनिवार के दिन साथ आना शुरू करें। धन्यवाद।